अब तक की जितनी वीडियोस हमने आपको साथ शेयर की हैं, उन सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ अपडेट, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है, चाहे वो नीट के एग्जाम की डेट को लेकर हो, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर हो नीट के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज निशी फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। अब तक की जितनी वीडियोस हमने आपको साथ शेयर की हैं, उन सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ अपडेट, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है, चाहे वो नीट के एग्जाम की डेट को लेकर हो, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर हो नीट के लिए, कुछ ना कुछ हमने आपको मैसेज दिया ही है। आज की जो वीडियो, इसमें भी हम एक अपडेट लेके आए हैं हमारे नीट के एस्पिरेंट्स के लिए, जो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर और इन द अपकमिंग ईयर्स। तो नीट का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। जो लास्ट ईयर आपका सिलेबस था, काफ़ी चेंजेस हैं हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ चैप्टर्स, कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ ना कुछ सब टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भी है, पर कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए बहुत एक, हम कह सकते हैं, एक बुरी चीज़ भी है। अगर मैं अच्छे उसमें कहूँ तो उनके पास टॉपिक्स कम हो गए, सिलेबस कम हो गया, तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा टाइम है बाकी चीज़ों में देने का। जब टॉपिक्स हट गए तो कम सिलेबस है, कम पढ़ना पड़ेगा, बट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छी बात करूँ तो जो बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोची ही नहीं थी कि हमने नीट का एग्ज़ाम देना भी है, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कम सिलेबस ही उन्हें स्टार्टिंग में मिल गया है, तो कम ही पढ़ना पड़ेगा बट अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिलेबस कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर बहुत इजी आएगा या एग्ज़ाम बहुत इजी आएगा। अगर सिलेबस ख़त्म कर दिया, सिलेबस कम कर दिया सब्जेक्ट्स का, अगर सिलेबस का सब्जेक्ट्स कम कर दिया है तो जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जो टॉपिक्स ऑलरेडी हैं, हटने से मतलब नहीं है, जो ऑलरेडी हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हटाए भी उनको गए जो इंपॉर्टेंस थी नहीं जिनकी। चाहे मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, वेदर आई टॉक अबाउट द फिजिक्स और बायोलॉजी, वो टॉपिक्स हटाए गए हैं जिनकी वेटेज थी ही नहीं पहले कभी इतनी, और जिनकी अब है वो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन पर आपको ज़्यादा ही मेहनत और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज थी। अब तक जब तक डेट अनाउंस नहीं हुई थी कि नीट का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तब तक कोई बच्चे किसी तरीके से प्रैक्टिस करते, किसी ने कोई स्ट्रैटेजी अपनाई हुई थी, किसी ने कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ था अपनी क्लासेस के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। हालांकि अब जब डेट आ चुकी है, जो कि आपकी 5 मई है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने अपनी स्ट्रैटेजीज बना ली है, अपनी अपना एक गोल सेट कर लिए, शॉर्ट शॉर्ट गोल्स बनाए हैं, कब उनको रिविजन करना है, कब उनको टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल करना है, कब उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कब उनको टेस्ट देने हैं अपने, और कब तक उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, तो अब बात आती है, बच्चे कंफ्यूज हैं थोड़े से कि हमें कौन सा सोर्स या फिर कौन सी बुक्स यूज़ करनी है अपने नीट की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, सो द मोर क्वेश्चन जो अब ज़्यादा है बच्चों के बीच वो ये है, हाउ मच NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट। हालांकि जितनी भी वीडियोज़ आपकी बताई गई हैं, अब तक बनाई हैं आप सबके लिए, उन सब में कहीं ना कहीं आपको बताया गया है कि NCERT इज़ द किंग ऑफ योर नीट एग्ज़ाम। चाहे वो केमिस्ट्री की NCERT हो, फिजिक्स की NCERT हो, या बायोलॉजी की NCERT हो, इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर नीट जर्नी, राइट? सो सिलेबस इज टोटली बेस्ड ऑन NCERT। बाकी सिलेबस बुक्स जो हैं वो उसके जो बाय साइड बुक्स होंगी, वो आपको रिविजन करने या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल कर रह सकती है, बट जो NCERT है उसमें हर एक टॉपिक को इतनी समराइज्ड वे में दिया गया है और इलेबोरेट भी वैसे ही किया गया है। छोटा है टॉपिक बट उसको लेबोरेट भी अच्छे से किया गया। अगर आपने NCERT की एक एक लाइन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी, अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठाई है, देन देर इज नो, हम नहीं कह सकते कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जितनी बार रिविजन करोगे उतना ही नई चीज़ आपको जानने को मिलेगी। तो द NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। NCERT प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट योर नीट जर्नी, योर नीट प्रिपरेशन जर्नी आई कैन से। सो आप कोई भी बुक यूज़ कर रहे हो बट फर्स्ट फिनिश द NCERT से हर एक टॉपिक को पढ़ो। जब NCERT कंप्लीट हो जाए आपकी, फिर आप NCERT के क्वेश्चंस कीजिए, फिर आप अपने अपने साइड बुक्स जो भी है, कोई भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हो, फिर आप वहाँ से अपने क्वेश्चंस को लगाना शुरू कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। ओके, सो दैट मच NCERT इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सोचा ही नहीं था कि हमने नीट का एग्ज़ाम देना है, 6 महीने आपके पास हार्डली रह चुके हैं,
सो जिन लोगों ने अब भी सोचा है कि मुझे नीट का एग्जाम देना है तो उनके लिए काफ़ी वक्त है. मैं नीट रिपीटर्स या ड्रॉपर्स की बात नहीं करूँ, उन्होंने तो स्टार्टिंग से जब एग्जाम खत्म हुआ था 2023 का तब से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. बट जो अब तक सो रहे थे बट उन्हें अब याद आया, देखो सिलेबस खत्म थोड़ा सा कम कर दिया गया है, अब हमारे पास चाचा हम कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, आपके पास काफ़ी वक्त भी है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा स्कोर करना है, फाइन. और जो बच्चों ने ऑलरेडी लाइक शुरू से पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं, हाँ बेसिकली एक पॉइंट बताना भूल गई मैं कि पुरानी एनसीईआरटी को नई एनसीईआरटी, आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी को नई वाली एनसीईआरटी से रिप्लेस नहीं करना है. नई वाली एनसीईआरटी भी पढ़नी है, पुरानी भी पढ़नी है. जो बच्चे अभी लाइक जिन्होंने अब सोचा है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो वो नई वाली ही पढ़ें, बट जो पुराने बच्चे पुरानी वाली पढ़ रहे थे उसके साथ साथ वो नई वाली भी पढ़ लें. सिलेबस कम ही किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं बस. अगर आपने नई वाली पढ़ ली है तो पुरानी वाली कंटिन्यू कीजिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई उसमें नुकसान नहीं है आपका, ठीक है. सो 6 महीने बहुत हैं आपके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए. जितना मैं कहूँ तो आप दिसंबर तक अपना अपना सिलेबस रैप अप कर दीजिए, फिर अपना रिवीजन मल्टीपल रिविजन्स को दीजिए, रिवीजन बार बार कीजिए हर एक टॉपिक का, हर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए. ओके, सो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, क्वेश्चन जितना आप लगाओगे उतना आप अच्छा सा स्कोर कर पाओगे, आई मस्ट से दैट. ओके, सो 6 महीने काफ़ी हैं, डिवाइड कीजिए कितने महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने महीने आपको टेस्ट सीरीज में देने हैं और कितने महीने में आप अपना रिविजन कंप्लीट कर सकते हो. ओके, सो 6 मंथ्स आर एनफ फॉर योर प्रैक्टिस इफ यू कैन सी. एंड एनसीईआरटी की बात करो तो दो तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आप अपनी नई वाली एनसीईआरटी को अप्रोच करेंगे. न्यू एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी ऑल्सो, फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर फिजिक्स ऑल्सो. पुरानी वाली भी पढ़िए, जो पुरानी वाली पढ़ चुके हमारे ड्रॉपर बच्चे और जो पुराने बच्चे जिन्हें अभी जो भी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे उन्होंने ऑब्वियसली पुरानी वाली को ही फॉलो किया होगा. नई वाली को भी फॉलो कीजिए, नई वाली भी पढ़िए, कुछ कम ही चीज़ें हुई हैं उसमें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी. और जो बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले हैं दे जस्ट फॉलो ओनली न्यू एनसीईआरटी नॉट द ओल्ड वन, वो पुरानी वाली ना ही पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है. बट हाँ, एनसीईआरटी अगेन आई एम सेइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी, विदाउट एनसीईआरटी यू कैन नॉट स्कोर वेल, एनसीईआरटी इज मस्ट. ओके, सो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा थ्रू आउट योर नीट प्रिपरेशन जर्नी, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी आपका अपना स्कोर लेने में, आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड गो फॉर वन शॉर्ट वीडियोज. ओके, तो वन शॉर्ट वीडियोज का मतलब है अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया है, कोई आप नेट पे से कोई इंटरनेट पे टॉपिक यूट्यूब पे किसी और सोशल मीडिया साइट से आप उठाइए, उसको देखिए, वो इंटरैक्टिव वे में होगी, अच्छे से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है. कोई टॉपिक अगर कोई टॉपिक है कि सब्जेक्ट का आपको, चाहे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का, कोई समझ में नहीं आ रहा है उसको आप सीधे यूट्यूब पे डालिए, बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होंगे, कोई एक वीडियो देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा. टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. फिर हम बात करेंगे मल्टीपल रिविजन्स की. अगर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो कि जितना आप उसको रिविजन करोगे जितनी बार से, मतलब है मेरा मल्टीपल रिविजन्स, एज यू मोर रिवाइज द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल स्कोर. जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा, जितना टॉपिक स्ट्रांग होगा उससे ज़्यादा आप अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे. जब तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन भी कैसे कर सकते. तो टॉपिक्स बहुत अच्छे से कीजिए, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कोई भी सोर्स हो, आपने अगर अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है किसी भी बुक से, किसी भी एनसीईआरटी अगर आपने कर दी, बेसिकली हम फोकस करेंगे एनसीईआरटी पे, अगर आपने एनसीईआरटी से कोई टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, अब आपका क्या काम है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व आपने करने ही है, उसके बाद रिविजन के बाद, एक बार रिविजन आपने कर लिया एनसीईआरटी का, उसके बाद आप मल्टीपल सोर्सेज से क्वेश्चन उठाइए, वहाँ से आप क्वेश्चन कीजिए. एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि किसी भी सोर्स का अगर आप यूज़ करते हो तो वो क्वेश्चन किसी भी सोर्स से अगर आता है, कैसा भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो यू शुड कंप्लीट इट. फिर आपका मल्टीपल सोर्सेज, जैसे मैंने कहा अगर आपने बुक्स के बाद कोई और सोर्स यूज़ करना है तो आप कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब, कोई भी आप किसी का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई वीडियोज़ आप देख सकते हो, तो मल्टीपल सोर्सेज आप यूज़ करो. बुक तक ही अपनी प्रिपरेशन को सीमित मत रखो, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि प्रिपरेशन सिर्फ आप बुक्स के थ्रू ही करोगे, जस्ट डोंट लिमिट इट. ओके, मल्टीपल सोर्सेज यू हैव टू यूज़. सो ये वीडियोस थी इस अपडेट के लिए जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, नए वाले बच्चों के लिए जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कि उनको बहुत कम पढ़ना है बट अच्छा पढ़ना है ताकि वो अच्छा स्कोर कर सकें.
तो ये जो अपडेट आई है आपकी कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी है, कहीं ना कहीं बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि अभी आपको कम पढ़ना है, कम पढ़ना होगा तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। बुरा इसलिए है जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, बट अब जो टॉपिक्स रह गए हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है, वो टफ भी बहुत है, तो जितना आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। सो आई होप दिस वीडियो कैन हेल्प यू, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई चैनल से रिलेटेड चीज़ें चाहिए या फिर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई हमारा ही आपको टॉपर्स अकेडमी का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ दिस अपडेट। जो अभी अपडेट आया आपका उसके पैटर्न पे ही हम नया अपना बैच स्टार्ट करेंगे अभी, तो उसमें हम लिमिट्स जो आपका रिड्यूस सिलेबस उसके अकॉर्डिंग अपनी 6 months की जर्नी का आपका एक सिलेबस बनाएंगे, उसकी प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे 6 months में, हाउ कैन यू क्रैक नीट। सो वो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, दैट इज़ www.toppersacademy.app, और या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो ऑन द नंबर 7827048964। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।